Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. सर आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए BTC बस फ्री कर दी, मेट्रो फ्री कर दी, उसके आपके मैं केजरीवाल साहब से दो निवेदन करना चाहूँगा जी। पहला निवेदन ये करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने महिलाओं की मुफ्त यात्रा की बात करी है तो मैं समझता हूँ महिलाओं के साथ साथ उससे ज़्यादा निर्णय ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर दिल्ली के बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी अगर जो है यात्रा मुफ्त कर दी जाए तो ये मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा कदम होगा। लेकिन वो जब कह रहे हैं कि दिल्ली की बसों में महिलाएं फ्री यात्रा करेंगी, तो मैं समझता हूँ जब बसें ही नहीं होंगी तो यात्राएं कैसे करेंगी। तो दिल्ली में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी डिक्लेरेशन करने से पहले वो इस बात का संज्ञान जरूर लें कि दिल्ली में गंभीर समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की, सड़कों पर बसें हैं नहीं। तो जिन बहनों को वो मुफ्त यात्रा देने की बात कर रहे हैं, कम से कम उनको बस मिल जाए, एक घंटे के अंतराल पर भी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। सर, इसी ये दिल्ली में आने वाले चुनाव के उसमें कर रहे हैं। और तीसरी बात, जिस तरह से आपने कहा केजरीवाल साहब ने पिछला चुनाव से पहले बिजली मुफ्त की बात करी थी और फिक्स सरचार्ज के नाम पर, जो है फिक्स चार्जेस के नाम पर, झोपड़पट्टी वालों के लिए भी बोला था। हाँ, झोपड़पट्टी वालों के घर बना के देंगे, बिल्डिंग बना के, वो उन्होंने जेब काटने का काम किया था। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से पानी मुफ्त करने की बात करी थी और फिर लाखों के बिल लोगों के आए, तो उसको भी जहाँ जहाँ पानी जा नहीं रहा वहाँ से वहाँ भी बिल पहुँच रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बिजली और पानी उन्होंने मुफ्त करने की बात करी थी, वो उसी तरह से महिलाओं की यात्रा को मुफ्त करने की बात ना करें, कम से कम जो है उनको पहुँचाएँ। और आपको ध्यान होगा मैंने केजरीवाल साहब को एक चुनौती दी थी, जब दिल्ली के अंदर प्याज महंगा हुआ था तो नेफेड का डायरेक्टर होने के नाते मैंने ऑफर भी दिया था उनको, और भारत सरकार ने उनको 2500 मीट्रिक टन प्याज भी खरीद कर दिया था। और मैंने कहा था कि अगर आपका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो आप लोगों तक ये प्याज का प्याज पहुँचा कर दिखाएं। तो आप सबको पता है कि वो 2500 छोड़िए, मात्र 400 मीट्रिक टन प्याज जो है वो 2500 में से बेच पाए, बाकी सारा बर्बाद हो गया। तो ये मुफ्त के नाम पर जो है जो कुछ भी बात करते हैं, चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी निर्णय उन्होंने लिया है उसमें मेरा उनसे निवेदन है कि वो निर्णय जरूर लें। मैं उनका इसका स्वागत करता हूँ, हमारी बहनों को मिलना चाहिए, लेकिन उनके बच्चों का भी ध्यान रखें, विद्यार्थियों का ध्यान रखें, उनको साथ में जोड़ लें। और इसके साथ साथ वो हासिल ना हो जो मुफ्त बिजली और पानी का हुआ था, कि बस मिले नहीं और हमारी बहनें खड़ी रहें और मुफ्त यात्रा जो है वो बस स्टैंड पर खड़े खड़े पूरी हो जाए। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछली बार अभी ये जो झोपड़पट्टी वालों के डोर टू डोर मिलने गए थे, उसी बीच उनने यही बात बोली थी कि झोपड़पट्टी वालों से कि पानी की व्यवस्था और बिल्डिंग बनाकर यहीं पर जहाँ आप रह रहे हो यहीं पर आपको फ्लैट बनाकर देंगे, वही बीच वो अभी भी यही कर रहे हैं क्योंकि परसों के पेपर में आया है, डोर टू डोर मिलकर अभी भी वो यही बात कर रहे हैं, तो इस बीच में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि मुझे 20 साल पहले का याद आता है जब शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली में गरीबों को मकान मिलेंगे, और उसके बाद शीला दीक्षित के आखिरी कार्यकाल में गरीबों के पैसे जमा किए थे, फिर केजरीवाल सरकार ने आने के बाद 72,000 रुपये गरीबों के जमा कराए थे। आज मुझे लगता है 5.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एक भी मकान दिल्ली में किसी गरीब को नहीं मिला है। तो मैं फिर केजरीवाल साहब से कह रहा हूँ, वो कह तो रहे हैं वहाँ पर घर बना कर देंगे, लेकिन जो घर पहले से बने हुए हैं वो 5 साल में अलॉट तक नहीं कर पाए, तो ऐसे कृपया करके दिल्ली की जनता के साथ, गरीबों के साथ छल ना करें, झूठे वायदे ना करें जो वो पूरे नहीं कर सकते। एक सवाल है, ठीक है, दिल से ज़्यादा किया है तो उन्होंने शराब की दुकानें खुलवाई हैं जो सबसे ज़्यादा कराई, तो वैसे पंजाब में नशा मुक्ति के लिए गए थे वो, लेकिन दिल्ली में उन्होंने शराब की दुकानें खुलवाई, ये सब जानते हैं। और इसी तरह से जो है मीट की दुकानें जो हैं वो जिस तरह से उनको सैंक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते ही ये सब काम करना चाहिए, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, और अवैध दुकान चाहे वो शराब की हो चाहे वो मीट की हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।